देश में हमले को लेकर ईरान में असमंजस बरकरार है। ईरान के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, कुछ लोग इसे आंतरिक हमला भी बता रहे हैं, कुछ लोग सरकारी इमारतों पर हमले को लेकर खुश हैं। ईरान पर हमले के बाद भयानक तनाव का माहौल है, ये एक नई बात सामने आ रही है। सुमित जी, इस पर अगर आप जवाब दे सके कि ये ईरान में असमंजस का क्यों अब माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमारे गेस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान को ये पता है कि उस पर अटैक किसने किया है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी जल्दबाजी है ये कह देना कि अटैक किसने किया है, वो ईरान को पता है, और ईरान को पता है, और इतने 6 शहरों पर जो कि स्ट्रेटजिकली मिलिट्रीली ये 6 शहर बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, और ईरान अब तक इस बात को उल्लेख नहीं करेगा कि किस देश से अटैक किया गया। खासकर मान लीजिए अगर इसराइल इसमें सम्मिलित हो, और इसराइल सम्मिलित है तो यूएस तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है ये देखना कि आंतरिक गतिरोध की जो बात आ रही है उसका। सुमित जी, एक बात बताइए, इतनी बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक को इतने प्लान तरीके से कौन अंजाम दे सकता है, जो कहा जा रहा है कि कोई इंटीरियर फोर्सेस हो सकती हैं, कौन हो सकता है इसके पीछे? अब सीधा सीधा हम अगर इस पे एक अभी गेसिंग पॉइंट हम पे हैं खड़े हैं, तो इसमें ये कह सकते हैं कि इसराइल एक देश हो सकता है, और उसके पास पर्याप्त कारण है इस ड्रोन अटैक। ठीक है, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्विवेदी सर, अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि तमाम अलग अलग बातें कंफर्मेशन कहीं से नहीं, लेकिन आपको क्या, आपका एनालिसिस क्या बता रहा है, यह हमला किसने अंजाम दिया हो सकता है? देखो, आपको कुछ एक बिंदु जोड़ने होंगे, कुछ ऐतिहासिक बिंदु हैं, कुछ अभी के जो हालात हैं। ऐतिहासिक तौर पर इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा होता न्यूक्लियर से। आप 1982 में देखें कि उन्होंने इराक पर हमला किया था, उस इराक जो उनका रिएक्टर था उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो इसलिए किसी भी हालत में इसराइल नहीं यह एक्सेप्ट कर सकता कि ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिल जाए। दूसरी बात है कि देखो, ये JCPO जो एग्रीमेंट थी 2015 की, वो रद्द होगी 2018 में। उसके बाद ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर क्षमता की जो बहुत काफी बढ़ाव दिया है, और अभी वो यूरेनियम भी इनरिच कर रहे। दूसरी बात है, अभी हालात क्या है, देखो अभी अमेरिका की और इसराइल की बड़ी एक्सेस चल रही, और कुछ ही दिन पहले इसराइल के रियर एडमिरल जो है मैरॉन, उन्होंने बोला था कि ये बिल्कुल सही वक्त है ईरान पर हमला करने का। तो अगर आप बिंदु जोड़े तो यही सामने जाहिर आएगा कि ये हमला जो है इसराइल अमेरिका के दोनों के मिलित के साथ हुआ है, और इसमें काफी बड़ी साजिश है, क्योंकि ये हमला छोटा मोटा नहीं, 6 शहरों को उन्होंने एंगेज किया, ड्रोन अटैक किए, और काफी इसके आप एक बात पिन पॉइंटेड कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान को इस बारे में कोई पता नहीं हो या खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट नहीं किया हो। राठौर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको क्या लगता है, ईरान के गृह युद्ध जैसे हालात तो थे नहीं, ईरान जिस तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या यूरेनियम प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा था, तनातनी या फिर अदावत जाहिर थी कई देशों में, और मिडिल ईस्ट में ये पनप रही थी, तो आपको क्या लगता है, क्या ये इसराइल का हाथ हो सकता है या फिर किसी और देश का हाथ हो सकता है ईरान को रोकने के लिए, या अमेरिका का भी स्ट्रैटेजी हो सकता है? देखिए, ईरान और रशिया की जो दोस्ती जिस मुहाने पे खड़ी है, वहाँ पर ईरान को एक ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, जो कि क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ के रख देगा। आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र किया, और जहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी अटका हुआ है, उसमें रूस उसकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि रूस उसको Su-35 हवाई जहाज देने वाला है जी। तो ये सारी चीजें जो इंगित करती हैं कि ईरान को कैसे रोका जाए। बिल्कुल, ईरान को कैसे रोका जाए और कौन रोकना चाहता, लगातार इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और इन सब के बीच कौन रोकना चाहता, ये बड़े धमाके हो गए, ये बड़ा हमला हुआ है।